आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमको दिया गया है ए बी सी डी आर प्लेइंग कैरम, सी ए एंड डी बी आर पार्टनर्स, डी इज टू द राइट ऑफ सी, सी इज फेसिंग वेस्ट, देन हमें क्या फाइंड करना है, बी इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम पिक्टोरियल वे में समझेंगे। हम दो चीज ध्यान रखेंगे कि सी और ए पार्टनर है और डी एंड बी आपस में पार्टनर है। जो पार्टनर होते हैं कैरम के अंदर आमने सामने बैठते हैं, राइट। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि मानता हूं कि मेरा कैरम है, कैरम ग्राउंड है और उसके चारों तरफ ये चारों एबीसीडी बैठे हुए हैं। वो किस तरह से बैठे हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन दी गई है कि सी इज फेसिंग वेस्ट। सी जो कर रहा है वेस्ट फेस कर रहा है। अगर ये नॉर्थ है तो मेरा साउथ डायरेक्शन हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा ईस्ट और ये मेरा वेस्ट, राइट। तो ये जो डायरेक्शन मैंने नोट कर ली, तो मेरा जो सी है ना वो क्या कर रहा है, वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। मतलब इसका जो फेस है वेस्ट की तरफ है। तो इसका मतलब, और आगे हमको दिया गया है डी इज टू द राइट ऑफ सी, डी जो है वो सी के राइट में है, तो डी मेरा यहाँ पर आ जाएगा कुछ, मेरा डी यहाँ होगा, राइट। यहाँ पर बैठा हुआ है, राइट, और यहाँ से ऑपरेट कर रहा है, यहाँ से गेम खेल रहा है। तो इसके अपोजिट मतलब डी का जो पार्टनर है बी है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा मेरा, और सी का पार्टनर कौन है ए, तो मेरा यहाँ पर ए आ जाएगा। मतलब ए इस तरफ फेस कर रहा है, बी इस तरफ फेस कर रहा है, राइट। तो हम स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है कि बी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो बी जो फेस कर रहा है किस डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर फेस कर रहा है, राइट। ये हमारी नॉर्थ है, ये इसकी तरफ फेस किया हुआ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि बी इज फेसिंग टू नॉर्थ, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।